एक बहुत ही पुरानी घटना और रामायण की एक छोटी सी घटना है, जब माता सीता का हरण लंकापति रावण ने किया। प्रभु श्री राम को जब ये बात पता चली और जब वो बाली से मिले तो उनको पता चला सात समंदर पार माता सीता वहां पे हैं। तो जिम्मेदारी दी गई हनुमान जी को कि आप जाइए और वहां पे ये पहुंचाइए। अब हनुमान जी को लगा कि मैं तो जा ही नहीं सकता, मैं समंदर कैसे पार करूंगा। तो जामवंत नाम का एक ऋषि थे, देव पुरुष थे, उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया कि हे महाबली, आपको बचपन में श्राप मिला हुआ था जिस कारण आप अपनी सारी शक्तियां भूल गए हैं और आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। और जब हनुमान जी को ये चीज़ें याद आई तो वो सारी बाधाओं को पार करते हुए माता सीता से वो मिले। ठीक इसी तरीके की घटना हमारे और आपके साथ है। हमें आपको पता ही नहीं है कि हम उस परम पिता की संतान हैं। उस गॉड ने हमको वो सारी एबिलिटी दी है कि हम लाइफ में सारी खुशियां पा सकते हैं। बस आपको अपना मन और अपनी शक्तियों को पहचानने की देर है। 24 घंटे का समय धीरू भाई अंबानी के पास भी था, अनिल अंबानी के पास भी था, मुकेश अंबानी के पास भी है और 24 घंटे का समय हमारे पास भी है। भगवान ने सभी को इक्वल बराबर बना के भेजा है। शर्त यह है कि हमको पहचानना होगा अपने आप को, और जिस दिन आपकी पहचान खुद आपसे हो जाती है उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोकती है। बात अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करके जाएं, लाइक करके जाएं और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।